लखनऊ का, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अटल जी की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। सबसे बड़े मंच तक पहुंचाया जा सकता है इस आवाज को मजबूती प्रदान की अटल जी ने। एक राजनेता के रूप में, विदेश मंत्री के रूप में, संयुक्त राष्ट्र संघ में राजभाषा को वहां पर प्रमुखता के साथ अपने भाषण का हिस्सा बनाओ, यह अभी पहली बार भारत ने देखा। और भारत के रूप, भारत के विकास की कार्य योजना कैसे बननी चाहिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्य रहा हो, राष्ट्रीय राजमार्गों के स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाओं का कार्य रहा हो, भारत के अंदर हर हाथ में मोबाइल फोन अगर आप पहुंचा है, तो भाइयों बहनों इसका श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। मोबाइल क्रांति के जनक भारत के अंदर कोई है, ये रिफॉर्म किसी ने किया, अटल जी ने किया। याद करिए, अटल जी के आने के पहले लैंडलाइन टेलीफोन भी सिफारिश पे मिल पाता था और बड़ा मुश्किल था। एक दूर की कौड़ी थी मोबाइल लैंडलाइन फोन, मोबाइल फोन की बात तो बहुत थी। मोबाइल फोन जब आया था एक कॉल की कीमत 16 रुपए थी उस समय, 16 रुपए सामान्य व्यक्ति उसको कर ही नहीं सकता। आज ही अगर 16 रुपया हो जाए तो बहुत सारे लोग अपना मोबाइल फोन बंद करके वापस रखते हैं। लेकिन 1999 में जब ये मोबाइल फोन आया था, एक कॉल यानी इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के 16-16 रुपए था। आज भाइयों बहनों आप देखते होंगे ये जीरो पे है। भारत दुनिया के अंदर सबसे अधिक मोबाइल धारण करने वाला देश है, सबसे अधिक डिजिटल क्रांति का लाभ लेने वाला देश है। उसकी न्यू सदैव अटल बिहारी वाजपेयी।